अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाइयों का। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये जी, रात को तो मैंने व्लॉग बाकी नहीं बनाया था क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी। तो अभी बस चलते हैं, तो चल के तुम्हें चेक कराते हैं सीन। तो रात को जगह स्पार्टर खड़ी हुई थी, आज ये नहीं आ गई एक हमारे पास, तो अभी इसको लेके चलते हैं। इससे पहले मैंने कर दिया स्पार्टर को उस बैक साइड पे खड़ा। तो ये रजिए भी निकालते हैं इसे। तो बाकी अगर चलाने की बात की जाए तो उसके बिल्कुल सारा कुछ ओके है ना। गाड़ी ये नीचे लगती है क्योंकि गाड़ी ये स्टॉक पे हाइट पे है, तो जंप शंप पे भी तेज चलाओ या कोई भी से असर नहीं है गाड़ी को। तो बाकी रही बात के मैं देख रहा हूँ कि अगर तुम लोगों ने किया सपोर्ट किया तो ठीक है, नहीं तो व्लॉगिंग ज़रा एंड करने लगे हैं। तो देखो अब क्या सीन बनता है। अगर तो 10K से 5K तक व्यू देते हो तुम लोग इस वीडियो में तो ठीक है, नहीं तो कोई मकसद नहीं है। वैसे दो दो तीन तीन दिन देखते हो, हफ्ता देखो, कोई व्यू ही नहीं आते, तो ना तुम लोग लाइक करते हो। बीच में दो तीन भाई हैं जो करते हैं, सही लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो बाकी अगर ना हुआ तो बस फिर ख़त्म, बिल्कुल गाड़ी स्टॉक कर देंगे, तो फिर ना कोई न्यू व्लॉग आएगा ना कुछ और। तो अभी बस खड़ा कर दिए हम लोगों ने, चलाई है ये गाड़ी ओके है। तो अभी बस चलते हैं अपने स्पार्टर को लेके। तो तुम लोग बोल रहे थे कोई इसको डाउन करवाओ बैक से भी, तो बाकी फ्रंट से ओके है, इसको बैक से आज जाते हैं इसे डाउन शाउन करवाते हैं। तो बाकी इसकी कंडीशन की बात की जाए तो कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई, क्योंकि रात को मैं जिस टाइम ले कर आया था इसे तो बाकी साफ़ थी। कल जिस टाइम ले कर गया था मैं इसके वो स्टिकर चिकर उतरवाने तो उस टाइम साफ़ थी, लेकिन जब रास्ते में आया तो उस टाइम बारिश लगी हुई थी। तो अभी लेके चलते हैं गुजर को साथ, तो बाकी देखो क्या सीन बनता है जाके। तो रजीत, तुम्हारे भाई ने स्पार्टर को निकाल लिए बाहर। तो बाकी तुम्हें मैं चेक कराता हूँ सही पास से इसकी हाइट के। पिछला टायर अभी तकरीबन ऊंचा है, थोड़ा सा दो दो उंगलियों का गैप है बीच में, मेरा दिल है बिल्कुल इसको टायर के साथ लगाएं। तो रजीत चलते हैं, देखो आगे क्या सीन बनता है। और तुम लोग बोल रहे थे कि भाई आप ग्रुप बनाओ तो हम लोग भी ऐड होंगे, तो जिस जिसने ऐड होना है तो वो आज इंस्टाग्राम पे तुम्हारे भाई ने ग्रुप बना दिए। कम से कम काफ़ी गाड़ियां हैं जो दोस्त वगैरह बाकी लड़के, तो अगर तुम लोगों में से भी किसी ने ऐड होना है तो आज इंस्टाग्राम पे तुम्हारा भाई ऐड कर देगा। तो बाकी दे चलते हैं दुकान में, देखो क्या सीन बनता है। तो ये जी फाइनली आ गई थी गाड़ी हमारे अंकल के पास। तो अंकल कहते हैं बच्चे इधर लगा दो गाड़ी, तो आगे मैं जाने रुक करूँ। तो मैंने इन्हें बोला था कि बिल्कुल टायर के साथ अगर लगा दें, तो वो कह रहे थे इस तरह करोगे तो तुम्हारा मोटर गार्ड भी ख़राब हो जाएगा, और साथ मकसद नहीं है टायर ख़राब हो जाएगा, मोटर गार्ड भी ख़राब होगा और टायर भी, और तकरीबन एक एक उंगली नीचे करवा लो। तो बिल्कुल तकरीबन पहले तीन ही उंगलियों का गैप था बीच में, तो भी बोला है मैंने कहा चले एक उंगली का गैप कर दें, इतनी बहुत है, इससे ज़्यादा फिर नहीं, क्योंकि जब फिर दोस्त बैठते हैं वो फिर ज़्यादा बीच में कज़न दोस्त बिठाओ तो वो फिर गाड़ी साथ लगती है। तो देखो अभी कितने नीचे करते हैं, बोला तो है अभी। A few minutes later. तो ये जी फाइनली हमारी गाड़ी हो गई थी। तो इधर अंकल को बोला था मैंने कहा गाड़ी तो उधर ही है, कहते हैं बच्चे थोड़ी सी गाड़ी चलाओगे थोड़ी जंप में लगेगी गाड़ी पे तो फिर उसकी कमानियाँ अपनी जगह पे आ जाएंगी। तो बाकी भी चलते हैं इसके जो आगे फ्रंट स्क्रीन में जो स्टिकर बनवाना था एक जो ग्रुप का, अपना हम लोगों ने अपना टैग जो ग्रुप का नाम रखा है वो, और बाकी गुजर के लिए गाड़ी के लिए थोड़ी तीन दो तीन चीज़ें लेनी थी तो वो लेते हैं। तो जाके चलो चेक करा दो तुम्हें आगे क्या सीन है। तो अरे जी हम लोग इधर पार्टर को लेके पहुंच गए थे इधर दुकान में डेकोरेशन वाली, तो इन भाई को बोला है तो इन्होंने स्टिकर बना दिए हमें। तो बाकी गुजर की गाड़ी के लिए हम लोगों ने एक आर्ट लिया, ये तकरीबन हमें मिला 350 रुपये का। वो जो मेरा लगा हुआ है वो तुम्हें नज़र आ रहा होगा वो, और इसमें काफ़ी फ़र्क है, वो 800 का और ये 350 रुपये का है। तो ये एक स्टिकर बनवाया हम लोगों ने। तो बाकी भी चलते हैं घर में गाड़ी कंपाउंड करनी है, तो बाकी तुम्हें जा के सीन चेक कराएँगे। A few moments later. तो अरे जी अभी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कंपाउंड चाउंड की और पॉलिश की सारी कर ली हैं घर में गट्टी। तो अभी धोते हैं स्पार्टर को, पहले इतनी देर में खुद हम लोग धोते हैं तो फिर गुजर आ जाएगा, गुजर से हम लोग गाड़ी अपनी पॉलिश करवाएंगे। तो बाकी जो कुछ भी सीन हुआ वो देखो, और आज इसको इंशाल्लाह कंपाउंड भी करेंगे गाड़ी को अपनी को।
जी हम लोगों ने शैम्पू को याद किया, शैम्पू आ गया, उससे शैम्पू नहीं गुजर आ गया। तेरे जी गुजर को बोला हमने कंपाउंड बनाया, तो कंपाउंड बनाने के लिए उसने आधी कंपाउंड डाली है और बीच में आधी ये ऑटो शाइन डाली है और तकरीबन हमारे 3 लस्टर जो सिंपल वाले थे वो डले हैं। तो इस तरह हमारी कंपाउंड भी बन गई, खुद ही घर में हम लोगों ने करनी है आज। तो अभी हम लोग कर रहे थे तो इधर इतनी देर में हो गया था, इधर पानी ख़त्म हो गया था, तो अभी चलते हैं बाहर उधर फार्म पे। उधर बाहर अंकल को बोलूँगा कि गाड़ी धो के दें, वो ज़रा सही चमका चमकू देंगे, तो बाकी वापस आते हैं इधर ही कंपाउंड करने। तो इतनी देर में साथ जुड़े रहिए। मार ब्लैक में पानी, पानी अंकल को बोल के मारना। बस बस सब्र, एक मिनट बोलूँगा तब। तो अरे जी हम लोग अभी फिर दोबारा अंदर आ गए थे, तो टायर मैंने खुद नहीं धोए, गाड़ी के एक टायर धोने का मकसद नहीं है, बाहर गली गंदी है या वापस जाते हुए भी टायर पूरे हो जाएंगे, तो वैसे हर दफ़ा मेहनत करने का मकसद नहीं है। तो बाकी भी गुजर से और छोटे भाई से बोलते हैं गाड़ी को सही करके कंपाउंड करें, बाकी भी धोने से तकरीबन मैल छल गाड़ी के ऊपर जो गंदगी थी ना मेरे से, जो मैंने काफ़ी अर्से से गाड़ी नहीं धोई थी, वो तो लगी ही थी, वो उतर गई है। तो अभी इनसे रगड़वाई करवाते हैं, तो फिर आपको पॉलिश वॉलिश करके फिर आपसे मिलते हैं हम लोग। तो ये जी फाइनली हमारी गाड़ी कंपाउंड भी होगी और पॉलिश भी कंपाउंड करके हम लोगों ने ऊपर से इसको एक दफ़ा एक कोट पॉलिश का भी लगाया है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी गाड़ी फुल टाइम ओके होगी गाड़ी, तो बाकी फ्रंट से भी बैक से भी गाड़ी फुल ओके है। अभी तकरीबन जो कुछ भी उसके ऊपर दाग शाग थे ना कंपाउंड लगने के बाद, सारे दाग ख़त्म हो गए हैं। तो बाकी भी हम लोगों ने कंपाउंड कर दी थी, पूरा दिन गाड़ी पे लगा दिया था हम लोगों ने, तो अभी बस खड़ी करते हैं गाड़ी, तो बाहर जाते हैं, बाहर से होके आके अभी जाना है वापस क्योंकि सुबह पेपर है। तो बाकी तुम लोग को मैंने पहले भी बोला था कि अगर इस पर व्यू आए तो ठीक है, नहीं तो फिर बिल्कुल स्टॉक कर दूंगा मैं बिश पार्टर को, तो फिर मुझे ना कहना। A few minutes later. तो यार ये भी बस मगरी का टाइम भी हो गया था, तो अभी चलते हैं घर वापस क्योंकि तुम्हारे भाई का एक भाई के साथ मीटअप भी है, तो वो भी जानने वाला भाई है बड़ा अच्छा, उसने भी गाड़ी भी तैयार करनी है पेपर के बाद, तो वो भी हमारे ग्रुप में ही है, तो अभी जाते हैं उसका साथ मीटअप करते हैं। और बाकी बात कीजिए, गाँव हमारा बिल्कुल बैरिया के पास है, वो सामने फेस सेट है और ये इधर पीछे हमारा गाँव है जी। तो बाकी भी पहुँच के करते हैं उससे मीटअप। और एक और बात कह रहे जी, मैं सॉरी फॉर के ये जो बीच में बहुत सारे लड़के आते हैं, जानने वाले होते हैं कौन नहीं जानने वाले होते, तो कभी कभी फैमिली भी साथ होती है, तो इसलिए तुम्हारा भाई नहीं रिस्पॉन्स कर सकता, तो उसके लिए रियली सॉरी। तो बाकी अभी जाते हैं, भाई वेट कर रहे हैं, तो उससे जाके मिलते हैं, तो फिर बाकी तुम्हें सीन चेक कराते हैं। तेरे जी ये आ गई अपनी स्पार्टर और साथ सिल्को, तो ये शहरी भाई की गाड़ी है, तो इनको भी बोला है, ये बोलते हैं कि स्पॉयलर शॉयलर लगाना है ना, स्टेट बाइक करना है। सिल्को का कलर है वो ग्रे कलर का है, जो लाइट ग्रे होता है। बाकी भाई ने फ्रंट और बैक क्लिप लगाया हुआ है और जो नीचे मिनी आर्ट लगता है वो भी लगाया हुआ है, ने लाइट शाइट इंस्टॉल की हुई है। बहरहाल गाड़ी की लुक इनकी ठीक है, एक स्पॉयलर लगने वाला है और बाकी शीशे मीशे तो इंशाल्लाह करवाएंगे, टेंट और एक स्ट्रेट पाइप। तो बाकी मीटअप करके तुम्हारा भैया आ गया वापस। तेरे जी मैं तुम लोगों को फिर बता रहा हूँ कि अगर 2 से 3 KP अगर व्यू आ गए और लाइक किया तुम लोगों ने तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी बिल्कुल स्टॉक कर दूंगा। तो बाकी इधर अपना व्लॉग करते हैं एंड, और अल्लाह हाफिज़।